दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की विदाई के समय देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसी बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश भारत में एंटी साइक्लोनिक प्रवाह के कारण अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कम बारिश की संभावना के साथ मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली से मानसून की विदाई का वक्त पास आ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्षा के 4 महीनों के आखिरी चरण में जोरदार बरसात के बाद मानसून के अगले 2 दिनों में वापसी शुरू हो जाएगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम के विभिन्न हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। भारत के लिए मानसून की बरसात बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देश की कृषि भूमि का काफी हिस्सा आज भी सिंचाई के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भर है। मानसून की वापसी सामान्यतः सितंबर के मध्य में देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान से प्रारंभ होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भारत में 7% अधिक बारिश हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 8 राज्यों में कम बारिश देखने को मिली है, जिससे इस खरीफ सीजन में कृषि उत्पादन कम हो सकता है। इसके साथ ही झारखंड, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में भी कम वर्षा दर्ज की गई है। भारत में 1 जून से 19 सितंबर के बीच 872.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इस अवधि के लिए 817.2 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा से 7% अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में निचले क्षोभ मंडल स्तर पर चक्रवाती प्रवाह के कारण अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 21 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और पंजाब से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। इसकी सामान्य तारीख 17 से 18 सितंबर थी। वहीं 27 से 28 सितंबर के आसपास ये दिल्ली एनसीआर से विदा ले लेगा। इसके साथ ही मानसून 30 सितंबर तक पूरे उत्तर भारत से विदा हो जाएगा। अभी हवा की दिशा उत्तरी पूर्वी चल रही है, जिसमें गर्माहट व नमी भी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।